नमस्कार, हमारे यूट्यूब चैनल सफल स्टडी आई में आपका स्वागत है। यहाँ पर हम झारखंड सरकार के श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के द्वारा भर्ती क्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसमें अलग अलग डिग्री 10th 12th ITI BTEC BSc BA BCom पास वाले को जो है आपको डायरेक्ट जो सीधी भर्ती के तहत आपको नौकरी दिया जा रहा है। इसमें कौन कौन सी वैकेंसी हैं और कौन कौन से पोस्ट हैं और कौन सी कंपनी में आपको जो ये नौकरियाँ मिलने वाली है और ये आपको कितनी सैलरी देगी और क्या कुछ यहाँ पर जॉब लोकेशन होगी, इससे रिलेटेड सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में हम बताएंगे। इसके अलावा कुछ अन्य वैकेंसी के बारे में भी बताएंगे जो भारत सरकार के द्वारा ली जा रही है। यहाँ पर सबसे पहले देख सकते हैं आप भर्ती कैंप का ये जो आयोजन किया जा रहा है जो जिला नियोजनालय रोजगार कार्यालय पलामू में, और इस यहाँ पर जो है जितने भी बेरोजगार युवक एवं युवतियाँ हैं उनको जो है निजी क्षेत्र में रोजगार का अवसर सुगमता से प्रदान करने हेतु 15 अक्टूबर 2022 को दिन शनिवार के दिन जिला नियोजनालय कार्यालय परिसर डाल्टनगंज में 11 बजे पूर्वाह्न से 3:30 बजे अपराह्न तक एक दिवसीय भर्ती कैंप का आयोजन किया जा रहा है। इसके लिए कौन कौन सी कंपनियां आने वाली है, तो सबसे पहला जो कंपनी है वो विक्रांत इंटरप्राइजेज कर्नाटक की कंपनी है और इसमें पोस्ट का नाम है मशीन ऑपरेटर का। कैटेगरी ओनली फॉर मेल है और नंबर ऑफ वैकेंसीज 300 यानी 300 है। इसके लिए जो आपकी शैक्षणिक योग्यता मांगी गई है उस वो है एसेंशियल 10th पास है। आपके पास अगर 10th पास की डिग्री है तो इसके लिए एप्लीकेबल है। इसके साथ साथ डिजायरेबल है कि अगर आपके पास ITI है और ITI में भी इलेक्ट्रिशियन फिटर और वेल्डर का जो अगर आपके पास इस स्ट्रीम से अगर आपका ITI है तो आपके लिए और भी बेनिफिशियल है, आपको जो है प्रेफरेंस मिलेगी इस जॉब के लिए। एज 18 से 28 के बीच होनी चाहिए। सैलरी आपका जो है 14,000 से 26,000 पर मंथ दिया जाएगा। का जो जॉब लोकेशन आपको मिलेगी यानी कहां पर आपको जॉब मिलेगी, तो देख सकते हैं यशवंतपुर कर्नाटक में। नेक्स्ट जो कंपनी है वो है स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी और ये डाल्टनगंज की ही कंपनी है और ये जो है ये भर्ती कैंप का आयोजन भी डाल्टनगंज में किया जा रहा है। और यहाँ पर जो दो को पोस्ट के लिए जो वैकेंसी निकली है SM रूलर और एडवाइज़र का। SM रूलर के लिए जो ओनली फॉर मेल है जिसमें जो है 10 आपका वैकेंसी है, आपका ग्रेजुएशन पास वाले अप्लाई कर सकते हैं और इसमें जो एज है वो 22 से 40 साल के बीच है यानी 22 टू 40 ईयर्स के बीच। और इसमें आपको जो सैलरी दी जाएगी वो 15,000 यानी 15,000 पर मंथ दी जाएगी। और ये जो जॉब लोकेशन तो पलामू ही है यानी ओवरऑल पलामू ज़िले में ही आपका जो है ये वैकेंसी है। नेक्स्ट है एडवाइज़र पोस्ट के लिए इसी कंपनी में, उसमें भी जो है कैटेगरी मेल एंड फीमेल दोनों के लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज 100 है और ये इसमें इंटर पास वाले एप्लीकेबल हैं। 18+ जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो इसके लिए जो है एप्लीकेबल हैं। इसमें आपको जो है सैलरी नहीं दी जाएगी बल्कि इंसेंटिव दी जाएगी, इंसेंटिव भी अच्छी खासी दी जाएगी। जॉब लोकेशन पलामू ही है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है इस भर्ती कैंप के में जो है पार्टिसिपेट लेने के लिए, कि जितने भी योग्य उम्मीदवार हैं वो आपको जो है किसी भी नियोजनालय से आप जो है निबंधित आपको होना चाहिए यानी आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए किसी भी नियोजनालय से। अगर नियोजनालय से रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आप ऑनलाइन खुद से भी मोबाइल में रजिस्टर कर सकते हैं। और रजिस्टर करने के बाद जो है आपको देखिए आपको रजिस्टर करना है और उसके लिए रजिस्ट्रेशन किस साइट से करना है, तो www.rozgar.jharkhand.gov.in और इस पर अपना निबंधन कराते हुए उपरोक्त भर्ती कैंप में नियोजक एवं नियोजक के प्रतिनिधि के समक्ष अपने सभी मूल प्रमाण पत्र यानी जितना भी अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है जितना यहाँ पर मांगी जा रही है जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो सभी मूल प्रमाण पत्र के साथ तथा उसकी एक एक छायाप्रति यानी एक एक फोटोकॉपी और एक बायोडाटा बनाना है यानी अपना अच्छा से एक रिज्यूम जिसको बोलते हैं CV, जिसमें एक पेज में आपका जो है सारी चीज़ें लिखी हुई होनी चाहिए, उसका दो कॉपी आपको बनाना है, पासपोर्ट साइज फ़ोटो दो को रखना है और आपको जो है नियोजनालय का निबंधन कार्ड के साथ नियोजनालय के समक्ष उपस्थित हो जाना है। जो भी उम्मीदवार झारखंड राज्य के किसी भी नियोजनालय में पहले से निबंधित है उनको फिर से जो है रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। इस भर्ती कैंप को जो है जिस तिथि को यहाँ कहा जा रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं डेट है 15 अक्टूबर, तो इसी तिथि को इसका जो है आयोजन होगा। और इसके रिलेटेड और भी ज़्यादा जानकारी के लिए जो है आप सीधे नियोजनालय जा सकते हैं और पता कर सकते हैं। भर्ती कैंप का आयोजन किया जा रहा है और अगली जो आपके लिए वैकेंसी की बात की जा रही है, यहाँ पर देख सकते हैं झारखंड सरकार के श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के द्वारा और ये जो भर्ती कैंप का आयोजन 18 अक्टूबर 2022 को जिला नियोजनालय लातेहार में इसका आयोजन किया जाएगा। इसमें जो कंपनी आने वाली है वो उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड कंपनी आने वाली है और इस भर्ती कैंप का आयोजन किया जा रहा है 10:00 बजे से लेकर 3:00 बजे तक, जिसमें आपके पहले कंपनी का नाम तो हमने पहले ही बता दिया। इसमें अलग अलग पोस्ट के लिए आपके जो वैकेंसी निकली है, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड में पोस्ट सबसे पहले TCO का है जिसमें आपका क्वालिफिकेशन 12 पास या फिर ग्रेजुएट कोई भी इसमें एप्लीकेबल हैं, लेकिन हाँ इसके लिए जो मेल वाले इसमें एप्लीकेबल हैं।
आपका पे स्केल जो इसमें है 10,000 से लेकर 12,000 के बीच है, नंबर ऑफ पोस्ट 100 है और इसमें आपका एज है 18 से 28 साल और इसके अलावा आपका जो अदर बेनिफिट मिलेगा वो आपको इंसेंटिव मिलेगी और रहने की व्यवस्था यानी रेसिडेंस फैसिलिटी मिलेगी। नेक्स्ट जो आपका वैकेंसी है वो TCSO है जिसमें आप जो आपका क्वालिफिकेशन मांगा जा रहा है वो ग्रेजुएट प्लस डिप्लोमा इन कंप्यूटर यानी जो आपका DCA किया हुआ है जिसे DCA कहते हैं डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस, वो 6 मंथ वाला कोर्स आपके पास है तो एप्लीकेबल है, अच्छी बात है। मेल प्लस फीमेल दोनों के लिए ये है जॉब, इसमें आप भी आपका 10,000 से लेकर 12,000 के बीच आपका पे स्केल है यानी सैलरी है, नंबर ऑफ पोस्ट 10 है ओनली, 18 to 28 ईयर्स स्टूडेंट्स जो इसमें पार्टिसिपेट ले सकते हैं, इसमें भी आपको अलग से इंसेंटिव दी जाएगी प्लस रहने की व्यवस्था दी जाएगी यानी इंसेंटिव बोले तो आपका जो अगर 10,000 है या 12,000 है उसके अलावा आपका जो है पे स्केल में आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगी आपके काम के आधार पर और उसे इंसेंटिव कहते हैं जिससे आपका जो सैलरी और अधिक बढ़ जाएगी, आपका सैलरी 15 से 20,000 तक बढ़ जाएगी। नेक्स्ट जो आपका TRO है ये कंपनी जिसमें आपका क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट है, मेल वाले इसमें एप्लीकेबल हैं, 10,000 से 12,000 आपका सैलरी होगी, नंबर ऑफ पोस्ट 100 है, 18 to 28 ईयर्स एज लिमिट वाले एप्लीकेबल हैं, इंसेंटिव प्लस रेसिडेंस दी जाएगी। नेक्स्ट जो है TSE है इस पोस्ट के लिए ग्रेजुएट पास वाले एप्लीकेबल हैं, मेल कैंडिडेट्स ओनली फॉर 10,000 to 12,000 पे स्केल आपका यहाँ पर है, नंबर ऑफ पोस्ट 100 है, 18 to 28 ईयर्स एज वाले इसमें एप्लीकेबल हैं, इसमें बस आपको इंसेंटिव मिलेगी, रहने की व्यवस्था नहीं दी जाएगी यानी आपको यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ कहा जा रहा है कि आपको रेसिडेंस यहाँ पर नहीं है, मतलब रेसिडेंस का यहाँ देख सकते हैं ऑप्शन ही नहीं है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, इसमें भी सेम आपने जो आपको पहले बताया आपके जितने जो निकटतम नियोजनल है वहाँ पर जाके या फिर डायरेक्ट आप www.rozgar.jharkhand.gov.in पर जाके रजिस्ट्रेशन कराइए और उसके बाद इस भर्ती कैंप का आयोजन जो जहाँ पर हो रही है वहाँ पर इसका फायदा उठा सकते हैं। इसके साथ साथ इस भर्ती कैंप का आयोजन के लिए आप जिस पोस्ट के लिए जो है आप जिस पोस्ट के लिए आप एप्लीकेबल हैं, जिस पोस्ट में आप जो है फॉर्म डाल रहे हैं उस पोस्ट के आधार पर आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा गया है उसका जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, ओरिजिनल जो आपका मूल प्रमाण पत्र है उसको लाना है, आधार कार्ड लाना है, आप जो निबंधन कराएंगे उसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसे लाना है साथ में, और जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशंस का उसका जो है दो दो फोटोकॉपी कराना है, अपना एक बायोडाटा अच्छा सा रिज्यूम बनाना है, दो अपना पासपोर्ट साइज फोटो लाना है और आपको जो है यहाँ पर इंटरव्यू लिया जाएगा जो डेट यहाँ पर बताई जा रही है वहाँ पर, और उस इंटरव्यू में आपको पार्टिसिपेट होना है। आप पहले अगर किसी भी न्यूज़ में अगर रजिस्टर करा चुके हैं तो आपको फिर से रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि इस ये जो इंटरव्यू का आयोजन किया जा रहा है इसमें आपका जो है जितने भी COVID-19 का जो रूल एंड रेगुलेशन है उसका यहाँ पर पालन किया जाएगा, जो सोशल डिस्टेंसिंग, फेस मास्क और सैनिटाइजर एंड हैंड ग्लव्स इस सब का बात किया जा रहा है, ये अगर आप पहन के आते हैं या फिर लाते हैं तो अच्छी बात है। नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पर बात किया जा रहा है, देख सकते हैं झारखंड सरकार के ही श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग नियोजनालय घाटशिला पूर्वी सिंहभूम में इसका आयोजन किया जा रहा है और इसमें आपको सूचित किया जाता है कि 15 अक्टूबर 2022 को नियोजनालय घाटशिला परिसर में पूर्वाह्न 10 बजे से अपराह्न 4 बजे तक भर्ती कैंप का आयोजन किया जा रहा है और इसमें जो कंपनी आने वाली है वो यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले यहाँ देख सकते हैं MS देव असिस्ट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड बोकारो, एक कंपनी का नाम है और इसमें कौन कौन से आपका पोस्ट है, तो सबसे पहले मार्केटिंग मैनेजर का पोस्ट है जिसमें 2 पोस्ट है, नंबर ऑफ वैकेंसीज ओनली 2 है, जित कोई भी ग्रेजुएट यानी आप बी ए बी एस सी बी कॉम या फिर बी टेक कुछ भी किए हैं पार्टिसिपेट ले सकते हैं, कुछ भी डिजायरेबल यहाँ पर क्वालिफिकेशन नहीं मांगी जा रही, मेल एंड फीमेल दोनों के लिए है और इसमें जो एज लिमिट है वो 30 to 40 ईयर्स है, इस बात को ध्यान रखिएगा 30 to 40 ईयर्स एज लिमिट है, पे स्केल 14,000 है 14,000 है, अदर कुछ बेनिफिट की बात यहाँ पर नहीं किया जा रहा है लेकिन जॉब लोकेशन यानी आपको जो है जमशेदपुर में ये काम मिलेगी। नेक्स्ट इसी कंपनी पर आपका जो मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव का ये जो पोस्ट है जिसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज 80 है यानी 80, आपका जो क्वालिफिकेशन एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी जा रही है और 12 पास मांगी जा रही है, मेल एंड फीमेल कोई भी इसमें पार्टिसिपेट ले सकते हैं और इसमें जो आपका एज लिमिट है 22 to 40 ईयर्स है और इसमें आपका पे स्केल आपको दी जाएगी 12,000 प्लस जो है 1,000 रुपये का फ्यूल आपको दी जाएगी अलग से फ्यूल का खर्चा, जॉब लोकेशन जमशेदपुर ही। नेक्स्ट है आपका मैकेनिक का पोस्ट और इसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज 6 है और इसके लिए जो आपका क्वालिफिकेशन मांगी जा रही है ITI जिसमें जो आपका ट्रेड है फिटर प्लस इलेक्ट्रिशियन या इलेक्ट्रिशियन, ITI आप फिटर से किए हैं या फिर इलेक्ट्रिशियन से किए हैं तो आप इसमें पार्टिसिपेट ले सकते हैं, मेल एंड फीमेल कोई भी हो, 18 to 45 ईयर्स एज लिमिट और 1000 to
1000 आपका जो पे स्केल होगी, अलग से अलाउंस यानी अलग से आपको जो आपका फ्यूल का आपका बाइक का खर्चा यानी जो फ्यूल का खर्चा तेल का खर्चा दिया जाएगा 2000 रुपये। और आपका जॉब लोकेशन जमशेदपुर है, इसमें भी सेम उसी तरह से करना है, बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। आप जो नज़दीकी जो नियोजनालय है वहाँ पर जाकर रजिस्ट्रेशन कराइए या फिर ऑनलाइन www.rozgar.gov.in पर जाके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। उसके बाद उस जो रजिस्टर्ड नंबर होगा उसे ले जाइए और आपका जितने भी मूल प्रमाण पत्र है मेन डॉक्यूमेंट्स है उसे ले जाइए, फोटोकॉपी कराइए उसको ले जाइए और आपका पर्सनल साइज फ़ोटो उसे ले जाइए, फिर एक CV बनाइए अच्छा सा जिसे रिज्यूम कहते हैं वो बनाइए और उसे ले जाइए और हो सकेगा आपका इस डेट को आप वहाँ पर उपस्थित हो जाइए जहाँ पर कहा जा रहा है।